ये बिल्डिंग है, अभी इसको हम आपको अंदर से भी इसके फ्लैट दिखाएंगे ले चल के। फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल वेट प्लेटफॉर्म। फ्रेंड हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था एक 600 स्क्वायर फीट का एरिया, और हमने उसमें कहा भी था कि हम जो है दूसरा वीडियो जो लेके आएंगे उसी इसी बिल्डिंग का जो बड़ा फ्लैट है 665 का एरिया वो दिखाएंगे आपको। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको 665 स्क्वायर फीट का वन बेडरूम हॉल किचन का एरिया। अब ये देखिए इसका जो पैसेज है, काफ़ी बड़ा पैसेज है और काफ़ी साफ सुथरी बिल्डिंग है। अभी जस्ट रिसेंटली भी नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। पैसेज हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, फिर भी अब इसमें देख लीजिए। और हम देख रहे हैं अभी ये 665 स्क्वायर फीट का एरिया जो वन बेडरूम हॉल किचन है, ये उससे जो लास्ट वीडियो थी उससे बड़ा फ्लैट है ये, आप देखिए। काम मोस्टली सेम किया हुआ है बिल्डिंग के अंदर में। ये सब जितने प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं सब रेरा प्रोजेक्ट, रेरा लीगल प्रोजेक्ट है और रेरा अप्रूव्ड है। इसके अंदर में आपको जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रेरा अप्रूव्ड है तो आपको लोन भी किसी भी बैंक से मिल जाएगा इसके अंदर में। आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं। आप ये देखिए, ये है बालकनी, काफ़ी बड़ी बालकनी देके रखी हुई इसके अंदर में हॉल के लिए। ये बारिश हो रही है, देखिए इधर ये बाहर का एरिया, वहाँ देखिए सामने मेट्रो ट्रैक जो गया हुआ है, मेट्रो का ट्रैक दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए ये मेट्रो का ट्रैक गया हुआ है, मेट्रो रेलवे स्टेशन का ये ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर 2 में है ये। और यहाँ से जो मेट्रो का जो स्टेशन है वो काफ़ी नियर बाई है, काफ़ी करीब में है, वॉकेबल, हार्डली 5 मिनट का और 2 मिनट के अंदर में आप पहुँच जाएंगे। जो सेक्टर 2 का मेट्रो स्टेशन है वो तलोजा सेक्टर 2 का मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ से काफ़ी पास में है, आप देख सकते हैं। ये है हॉल, काफ़ी बड़ा अच्छा हॉल दिया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है एकदम, काम बहुत क्लीन किया हुआ है और पेंटिंग का कलर भी काफ़ी यूनिक किया हुआ है इसमें, काफ़ी लाइट है, लाइट कलर किया हुआ है और इंग्लिश कलर है, आप देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ, देखिए किचन का स्पेस भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इसके अंदर में। ये देखिए आप, ये किचन का स्पेस काफ़ी बड़ा है और जितनी भी विंडो दी हुई है विंडो के पास में मोस्टली हर फ्लैट में बालकनी दे के रखी हुई है। ये देखिए ये है किचन का प्लेटफॉर्म, आप देखिए टॉयलेट बाथरूम यहाँ सामने दिया हुआ है, स्पेस काफ़ी है इसके अंदर किचन के अंदर। वेंटिलेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, हर बिल्डिंगों में हर फ्लैट्स में वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा देके रखा हुआ है। देखिए यहाँ छोटी बालकनी है इस पास और ग्रिल लगी हुई, देख सकते हैं ये बाहर का व्यू है, बाहर की बिल्डिंग है देख रहे हैं आप, आबादी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और मोस्टली सब जितने भी हम आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं सब जो है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये बाथरूम है, मोस्टली सारा काम कंप्लीट है इसके अंदर में। ये वॉश बेसिन है, नल का सारा काम किया हुआ है, सारे नल लगे हुए हैं, देखिए इंग्लिश टॉयलेट यहाँ पे लगी हुई है इसमें, देखिए शावर है, सारा काम कंप्लीट है इसके अंदर में। और ये देखिए ये टॉयलेट इंडियन टॉयलेट अलग से है इसके अंदर में। और अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ, ये है बेडरूम, ये देखिए ये बेडरूम है, सारा काम कंप्लीट अच्छा किया हुआ है हम देख रहे हैं। बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, देखिए सब कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन सिर्फ साफ सफाई का काम बाकी है इसके अंदर में। ये देखिए इसमें भी बालकनी देके रखी हुई, जितनी भी विंडो है जहाँ जहाँ भी सारे हर फ्लैट के अंदर में बालकनी देके रखी हुई है। और देखिए बाहर का नज़ारा ये है, वेंटिलेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि
और हर रूम में जितने भी है हवा उजाला रोशनी सब बेहतरीन है इसके अंदर में। फ्रेंड्स हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो नई नई लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विड प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विड प्लेटफॉर्म।